एक भी हिंदू अपने पर आ गया उस दिन ये 15 करोड़ यहाँ नहीं दिखेंगे, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में दिखेंगे, और ओबैसी और उसके अब्बा भी इसको रोक नहीं पाएंगे। मैं इस ओबैसी को चैलेंज करता हूँ, ये जो बोलता है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज तो कब्र से निकल के उसके अब्बा भी दिखाएंगे, जो कागज नहीं दिखाएगा उसे भारत में नहीं रहने देंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए आज दिन भर की सभी ताजा फटाफट खबरें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी CAA और NRC का पुरजोर विरोध करते हैं, अगर चाहते हैं कि देश में ये कानून लागू नहीं हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले मोदी सरकार को अमरीका से नागरिकता संशोधन कानून CAA, कश्मीर मुद्दा और मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा झटका लगा है। वहीं मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले अमरीकी सांसद ने कश्मीर और नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ देश भर में जारी आंदोलन पर चिंता व्यक्त की है। अमरीकी सांसद ने कहा है कि भारत को अल्पसंख्यक मुसलमानों की सुरक्षा करनी चाहिए और मुल्क के संविधान से जो सेकुलर संविधान है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भाई मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट पार्टी से 4 बार सांसद रह चुके बेरा ने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत अपने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को खो दे। ये वह है जो इसी के कारण अमेरिका इससे काफ़ी लगाव रखता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। वहीं उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि कश्मीर पर उनकी चिंताओं को भारत अधिकारियों से कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर में राजनीतिक नेताओं को हिरासत में रखने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। बता दें कि डेमोक्रेट सांसद बेरा और जॉर्ज होल्डिंग भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद प्रदेश को 2 राज्यों में विभाजित करने का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वहां पर जो नेता हिरासत में लिए गए हैं उनको मोदी सरकार जल्द से जल्द छोड़े और नागरिकता संशोधन कानून जो एक धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान के खिलाफ है उसको भी मोदी सरकार संशोधन करे या इसे वापस ले। अगली खबर की ओर बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप का असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान। नागरिकता संशोधन कानून और NPR को लेकर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला और कहा, असदुद्दीन ओवैसी क्या उसका अब्बा भी कब्रिस्तान से कागज निकाल कर दिखाएगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपनी हर सभा में कहते हैं कि वह किसी भी अधिकारी को कागज नहीं दिखाएंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि सभी मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि बुजदिल और डरपों की औलाद है असदुद्दीन ओवैसी। आगे उन्होंने कहा है कि जो भी भारत में कागज नहीं दिखाएगा उसे हम भारत में नहीं रहने देंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि एक कानून के डर से सभी मुसलमानों की औरतें और मुसलमान डर के मारे सड़कों पर उतर आए हैं। अभी तो सिर्फ एक कानून ही लागू किया है मोदी जी ने, अगर NRC और NPR जैसे कानून को लागू करेंगे तो ये लोग देश को छोड़कर पाकिस्तान भागते दिखाई देंगे और ओवैसी का अब्बा भी इन्हें नहीं रोक पाएगा। तो ये विवादित बयान है BJP सरकार में, उत्तर प्रदेश की BJP सरकार में योगी के राज्य मंत्री जो बलिया जिले से जीते थे और बलिया से सदर विधायक हैं, लेकिन इन्हें योगी सरकार ने राज्य मंत्री बना दिया है। तो कितना विवादित बयान है असदुद्दीन ओवैसी और मुसलमानों को लेकर। अगली खबर की ओर बात करते हैं। भारत दौरे पर ट्रंप को बुलाना पड़ा मोदी सरकार को भारी। नरेंद्र मोदी से बातचीत में भारत में धार्मिक आज़ादी, अल्पसंख्यक मुसलमानों का मुद्दा उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस ने कहा है ये मुद्दे नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। भाई मैं आपको बता दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते होने वाले भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाएंगे। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए कहा है कि अमेरिका भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं का बहुत सम्मान
सम्मान करता है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने सार्वजनिक और सुनिश्चित तौर पर निजी दोनों भाषणों में हमारी साझा लोकतांत्रिक परंपरा और धार्मिक आज़ादी के बारे में बात करेंगे। वे इन मुद्दों को उठाएंगे, खास तौर से धार्मिक आज़ादी का मुद्दा जो इस प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारी से ये पूछा गया क्या नागरिकता संशोधन कानून या NRC पर भी ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि इस मामले पर भी ट्रंप PM नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। भारत में तो मोदी सरकार को ये काफ़ी बड़ा झटका लगा है, जिस तरह से इतने बड़े लोकतांत्रिक और दुनिया के सबसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नागरिकता संशोधन कानून और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर जो है PM नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, और इसके बाद PM मोदी का क्या रिएक्शन होता है, क्या PM नरेंद्र मोदी नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेंगे या नहीं, क्योंकि लगातार पूरी दुनिया से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार पर दबाव पड़ रहा है। और इस बात को PM नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपनी सभा में भी कुबूला था, लेकिन PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। अगली खबर की ओर बात करते हैं। AIMIM नेता बारिश पठान ने अपने 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी वाले बयान पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में भ्रम फैलाया गया है, मैं कितना विरोधी हूँ ये दिखाया गया है। बारिश पठान ने कहा कि एक जलसे में जो मैंने कहा कि हम 15 करोड़ 100 पर भारी हैं, उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि मैंने अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ कहा था। इस देश के महज 100 लोग ही हैं जो 15 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ साफ दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो RSS के हों, बजरंग दल के हों या अन्य किसी पार्टी या संगठन के हों, मैंने इन्हीं की तरफ इशारा किया था। वहीं मैं आपको बता दूं, बारिश पठान ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसका मतलब गलत तरीके से निकालकर मुझे निशाना बनाया जाए। इसके बावजूद मेरे किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने देश का एक सच्चा नागरिक हूं। भाई मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में CAA के विरोध में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए बारिश पठान ने कथित तौर पर कहा था कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज भी हुई और आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। मुसलमानों पर बयान को लेकर BJP प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के निशाने पर आए गिरिराज सिंह, दिलाई APJ अब्दुल कलाम की याद। भाई मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, किसी को किसी धर्म या जाति के लोगों पर उंगली उठाने का हक नहीं है। शहनवाज का ये कमेंट उनकी ही पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान के बाद आया है, जिसमें गिरिराज सिंह ने कहा था कि 1947 में सारे मुसलमानों को पाक भेज देना चाहिए था। वहीं मैं आपको बता दूं, शहनवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत पर हिंदुओं और मुसलमानों का बराबर का हक है, सभी मजहब के लोगों का ये देश है, अगर मुसलमान ना होते तो APJ अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग कहां से मिलते। उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया, बहुत कुर्बानियां दी। भाई मैं आपको बता दूं, गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद शहनवाज हुसैन ने CAA NRC को लेकर कहा, नागरिकता संशोधन कानून CAA से भारत के 130 करोड़ लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो वहाँ परेशानी के चलते आए हैं उनको यहाँ की नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया गया है। नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, लेकिन देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का योगी पर तंज। अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित हिंदुस्तान शिखर समागम में एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे राम और हनुमान को पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं काम को पकड़ूंगा। उन्होंने कहा कि इस बार हम सभी जाति धर्म को मिलाकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे बिना गठबंधन किए,
एडजस्टमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि सामने वाले पर भरोसा, कई लड़ाई लड़ रहा था, अब पता है लड़ाई क्या है। जमीन की राजनीति ना करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही तेजी से साइकिल चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि झांसी, शाहजहांपुर, कन्नौज समेत कई जगह हमने मेडिकल कॉलेज दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ हमारे काम बता रही है, उनके अपने काम एक भी नहीं है। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मैनालिया ट्रंप करेंगी दौरा, केजरीवाल और सिसोदिया की नो एंट्री। भाई मैं आपको बता दूं, अमेरिका की पहली महिला मैनालिया ट्रंप अपनी भारत यात्रा के दौरान दिल्ली के एक सरकारी स्कूलों के कार्यक्रम में शामिल होने वाली है। लेकिन दिल्ली सरकारों के सूत्र के मुताबिक इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हिस्सा नहीं लेंगे। कहा जा रहा है कि इनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को 2 दिनों की भारत यात्रा पर आने वाले हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और बेटी इवांका भी आएंगे। मेलानिया ट्रंप 25 फरवरी को दिल्ली के सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती हैं। वह केजरीवाल सरकार के स्कूल में हैप्पीनेस क्लास देखेंगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, क्योंकि बीजेपी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी और इसी कारण जो है इन दोनों बड़े नेताओं का नाम हटा दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करके जो है हमें बता भी दें।